हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 3 के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स को। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टर्स। डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल क्लास फंक्शन विच डिस्ट्रॉयज द ऑब्जेक्ट एज सून एज द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड्स। यहाँ पे डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल क्लास फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर की तरह ही, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है जैसे ही हमारे ऑब्जेक्ट का जो स्कोप है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे स्कोप का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट की लाइफ ओवर हो गई है। वो जिस ब्रेसेस के अंदर क्रिएट हुआ था वो ब्रेसेस जब एंड हो गए हैं तो ऑब्जेक्ट की लाइफ भी वहीं खत्म हो गई, स्कोप भी वहीं खत्म हो गई। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टर को कंपाइलर ऑटोमेटिकली कॉल करता है जैसे ही ऑब्जेक्ट स्कोप के बाहर चला जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो हमारा डिस्ट्रक्टर होता है उसका सिंटेक्स बिल्कुल सिमिलर होता है हमारे कंस्ट्रक्टर की तरह ही, जस्ट हम वहां पर सिर्फ एक साइन का यूज करते हैं इस तरीके से। तो हमने अगर हमारा कंस्ट्रक्टर ऐसा बनाया था एबीसी कंस्ट्रक्टर, तो हम डिस्ट्रक्टर इस तरीके से बनाते हैं। और जिस प्रकार हम कंस्ट्रक्टर के अंदर लाइंस कुछ लिख सकते हैं, यहां पर भी हम लिख सकते हैं सी आउट डिस्ट्रक्टर। तो जब भी ये डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो कि ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रॉय करते के टाइम जब उसका स्कोप खत्म होगा तब कॉल होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। सो डिस्ट्रक्टर का भी नाम बिल्कुल सिमिलर रहता है हमारे क्लास के नाम की तरह ही, जस्ट हम यहां पर उसके आगे इस साइन का यूज करते हैं। डिस्ट्रक्टर के पास किसी भी प्रकार का कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, और डिस्ट्रक्टर को भी हमें पब्लिक एरिया में ही बनाना चाहिए ताकि जब भी ऑब्जेक्ट का स्कोप बाहर जा रहा होगा तो वो उसे क्लास के बाहर कॉल कर सके। इसमें एक चीज और ध्यान देना है, आप एन नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं, कितने भी कंस्ट्रक्टर आप एक क्लास के बना सकते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाए, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाए। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आप अलग अलग टाइप के पैरामीटर्स रखेंगे तो कंस्ट्रक्टर अलग अलग टाइप्स के हो जाएंगे हमारे पास। लेकिन डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक होता है क्योंकि वही आपके सारे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि डिस्ट्रक्टर हम एक ही बनाएंगे लेकिन कंस्ट्रक्टर हम कितने भी बना सकते हैं। इसका भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और डिस्ट्रक्टर का हमने टॉपिक 21 में किया है, और आप वहां जाकर उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्लियरली देख सकते हैं।